एपीडी रिसर्च सेंटर में आए हैं, आपको इधर कैसा लगा? सब अच्छा है, आपको कैसा लगा बोल के आपका आपसे मैं सुनने के लिए जा रहा हूँ। देखो हम एपीडी रिसर्च सेंटर में आ गया, अभी आपको 15 दिन हो रहा है, ठीक है। 15 दिन में हमने रिसर्च सेंटर को अच्छे से देखा है, अच्छे से जाना है, यहाँ पे आकर हमको अच्छा लगा है और सब कुछ यहाँ पर है, जैसे जिम, मैक एक्टिविटी, वो सब कुछ होता है, जिम के हर एक सेट होते हैं, जो जिम्स वगैरह हम आते हैं, तो एक बार आप भी रिहैब सेंटर दिखा सकते हो। और अपना इधर रिहैब सेंटर में सब कुछ है, पर जिम में एक्टिविटी सब कुछ है जी, सब कुछ है। इसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, इधर हम लोग को तुमको अच्छा लग रहा बोल के बोल रहे, ठीक है, ठीक है। आपको एपीडी बैंक के 15 दिन हो गया, आप अच्छा एपीडी अच्छा बोल के बोला, आपके लिए और कुछ रहेगा तो आप बता सकते हैं। ये एपीडी रिहैब सेंटर मांजूरी पूना रोड में है, यहाँ पर खड़कसर में है, अगर आप सबको भी आना चाहते हो तो एपीडी ज्वाइन कर कर आप एक बार देख सकते हो। आप उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं मेरे को, कॉन्टेक्ट करो, इधर कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। सोमनाथ सर, सोमनाथ सर है, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कैसे हम थे, आप बताओ। मैं आपका नाम खुशी, मेरा नाम सोन शेखर। आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, कितना दिन हो गया इसे? ओके, मेरे को 1.5 साल हो गया इंजरी हो गया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने का, अब ऐसा होने के बाद आप क्या सोचा? ये होने के बाद मैंने इतना सोचा था कि मैं वॉक करो, स्टिंग पर आओ, स्टिक पर चलो, वॉकिंग अच्छे से हो जाए, एक्सरसाइज मेरी अच्छी हो रहा, और बहुत मतलब आगे ख्याल है, फ्यूचर की लाइफ के बारे में, हर कंडीशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपको सब सोचा। मैं ऐसा होएगा तो हम घर पे नहीं बैठना, कुछ ना कुछ काम करना है बोल के आपका मन में, ठीक है। और आपको पढ़ाई लिखने का प्लान है, पढ़ाई लिखने का प्लान है, फिर आप ऐसे दूसरे लोग को आप क्या बोलने के लिए सोचते? दूसरे लोगों को तो हम यही बोलेंगे कि वो फिजियोथेरेपी लो, घर मत बैठो, घर बैठे बैठे उनको बेड सो होने के चांसेस है, जितना वो एक्सरसाइज करोगे उतना वो आगे बढ़ेंगे, और जितना वो सोते रहेंगे तो उनकी रिकवरी नहीं कम्प्लीट होगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद हम ऐसा हो गया, जिंदगी लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसा कभी लाइफ में सोचना नहीं। हम भी बाहर आके काम कर सकते हैं, हम भी बाहर घूम सकते हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते बोल के हमको वो कॉन्फिडेंस बाहर आएगा। हम ऐसा बेहतर सब किया बोलो, हमने यही सोचा है कि आप जैसे पेशेंट, हमारे जैसे पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वो भी बाहर निकले, बाहर की दुनिया को देखे, जैसे वो अंदर रहकर अपनी दुनिया को दबा रहे हैं, जैसे वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, उनकी भी लाइफ वो अच्छे से सेटल कर सकते हैं, उनकी लाइफ में उनको चलना है, ये करना है, तो वो खुद एक्सरसाइज करे, उनके हाथों से मम्मी की मदद भी जितना ले, खुद पे डिपेंड रहे और खुद अपने अपनी एक्सरसाइज करे। फिर उसके बाद उन लोग क्या सोचते हैं? हम लोग को क्या मोशन कंट्रोल नहीं, यूरिन कंट्रोल नहीं, ऐसे सोचते हैं उन लोग क्या? हम लोग का ऐसे लोग आदमी उनको बाहर आएगा तो रिहैब सेंटर में आएगा तो सब उसको बराबर सिखाते हैं। बराबर है, इसके लिए हम लोग क्या करना है, फेयर कार्ड इंजर लोग को अगर हम तो मालूम होना चाहिए, दूसरा आदमी लोग को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, नहीं हो सकते, हम भी बाहर घूम सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं। अभी आपको बहुत एक्टिव है, आपको उम्र कम है, आपको 17 साल आपको उम्र कम है, आप एक काम करें, आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छा चांस है, आप फिर एजुकेशन कम्प्लीट करो, आपको लाइफ में आगे बहुत टीचर आगे आपको लाइफ में है, ठीक है, आपको लाइफ में आगे टीचर मिलेगा। आपको क्या इसमें से क्या बोलेंगे? हमने तो स्पोर्ट्स ज्वाइन करने का सोचा है और अपनी एजुकेशन आगे चालू रखेंगे। अभी मैं 11th क्लास में हूँ, तो सोच रही हूँ कि मैं बाकी के एग्जाम दे दूँ, और ये सब देने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप एजुकेशन करते होते कंटिन्यू करो, ऑल द बेस्ट। दूसरे लोग को आप एक माधुरी है, माधुरी है कि आप दूसरे लोग को ऐसे फेरा कार्ड जो रहते घर पर नहीं बैठ रहे, आप काम करने के लिए आपके पास मन है, आपके लिए सलर। थैंक यू।